आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। उत्तराखंड प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी की वरिष्ठ उपाध्यक्ष और रुद्रपुर नगर पालिका परिषद की पूर्व चेयरपर्सन श्रीमती मीना शर्मा ने शनिवार को रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कई ग्रामीण इलाकों का दौरा किया और कांग्रेस कार्यकर्ताओं सहित ग्रामीणों से मुलाकात की। इस दौरान श्रीमती शर्मा ने ग्रामीणों की समस्या सुनी और उनके निस्तारण का भरोसा दिलाया। इससे पूर्व श्रीमती शर्मा का ग्रामीणों ने फूलमालाएं पहनाकर भव्य स्वागत किया। शनिवार को श्रीमती शर्मा अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ग्राम विजयनगर नगर दुर्गापुर नंबर 1 और आनंद खेड़ा नंबर 1 पहुंची, जहां ग्रामीणों ने और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक श्रीमती शर्मा का फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। अपने संबोधन में श्रीमती शर्मा ने कहा कि वर्ष 2022 में होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में रुद्रपुर विधानसभा काफी पिछड़ गई है। कांग्रेस की सरकार आने पर विकास की दृष्टि से उसे सबसे आगे ले जाने का प्रयास होगा। इस अवसर पर श्रीमती शर्मा के साथ ग्राम प्रधान चौधरी इंद्रपाल सिंह, ग्राम प्रधान और ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष संजीत विश्वास, महानगर कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष संजीव रस्तोगी, महानगर महिला कांग्रेस की अध्यक्ष मोनिका डाली, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर सुमित राय, केशव प्रकाश मंडल, जयदेव अरुण ओझा, श्रीमती कृष्णा सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। न्यूज 9 भारत के लिए वीरेंद्र रावत की खास रिपोर्ट। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।